ऐसा है ना कि देखिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ये होने वाला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले 2-3 ये दिसंबर तक होने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बोला, ऐश ने भी बोला कि टाइमिंग बहुत परफेक्ट है ये वाली, इतनी परफेक्ट है कि ये जो इवेंट है फुटबॉल का, ये होते होते दिसंबर आ जाएगा, ऑलमोस्ट 15 या 20 दिसंबर आ जाएगा। एंड उसके इमीडिएट बाद क्रिसमस है। क्रिसमस एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, सारी दुनिया का है, तो वो एक छुट्टियों का टाइम भी होता है, एंजॉयमेंट का टाइम भी होता है। और उधर से ऐश इसको और आई थिंक तब तक ऑन पैसिव बहुत बड़ी हो चुकी होगी, प्लस उसके साथ जब क्रिसमस एंड हॉलीडे सीजन जुड़ जाएगा, वहां पे ऑन पैसिव कुछ और ऐसा करेगी कि वो आई थिंक जनवरी आते आते वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो जाएगा, मतलब कि बहुत वायरल हो जाएगा सारा का सारा। तो टाइमिंग इतना परफेक्ट है अभी ऑन पैसिव की लॉन्चिंग, एंड उसके बाद अगर हम एज ए फाउंडर्स की बात कर लें, तो अगर हम एप्पल्स की बात कर लें इसमें, तो यस दिस इज द राइट टाइम टू रीप द एप्पल्स। ओके, तो वो तोड़ने वाले एप्पल वाली बात है ना, तो वो ये राइट टाइम हुआ है। और ऐश को अच्छी तरीके से ये मालूम है, उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है ये कि ये टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज करना है, उनको ये 2-2.5 महीने मैंने ऐसा कुछ कर देना है, ऐसा कुछ कर देना है कि आप जनवरी में देखोगे, अरे ये क्या हो गया भाई, ये हमारे सबके लिए मतलब कि कौन किसकी कितनी वैल्यू तो है ही है, बट उसके साथ बहुत सारी चीजें हमें ऑन पैसे की तरफ से जो दी जाएंगी वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है। ये बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल जबरदस्त, मेरे लिए तो बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है जो नीरज जी ने बताई, क्योंकि मैं जरा कनेक्ट नहीं रहा। और और इसमें एक एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर और इसको बाइफरकेट थोड़ा खोल, जी 10,000 टाइम एडवर्टाइजमेंट चलनी है 30 दिन में फॉर एग्जाम्पल, तो हर एक दिन में 300 टाइम्स। अच्छा, एक और चीज भी कही थी, 30 बट कैन बी एक्सटेंडेड, ऐसी वर्ड उन्होंने यूज किया था, यस वो तो आगे चल रहेगा, बट अगर हम आई इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर दें, अगर 10,000 स्लॉट्स हैं, 10,000 स्लॉट को 30 दिन में करें, तो 300 बार एक दिन में हिट करेगी ऑन पैसिव लोगों के दिमाग में। ओके, तो वो एक बात देखने वाली है कि उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। और 2.3 बिलियन जो पीपल है वो वॉच करेंगे, ये बड़ी बात है, अमेजिंग बात व्यूअर्स उसको उसको देखो ऐश कैसे काम करते हैं, मैं बताता हूँ। अब वो 2.3 बिलियन इंटू 300 अब करो, डू द जी। मैथ, माइकल कैलकुलेटर्स निकालो, आपको मालूम अरे विलियन को कितने बुला लोगों के लें। ऊपर इम्पैक्ट जाने वाला है। ओके, तो बार बार वो स्ट्राइक करना चाहते हैं लोगों के दिमाग में, एक बार आएगा ऑन पैसे, 2 बार 3 बार देखेंगे, 4 बार 5 बार 6 बार दिमाग खराब हो जाएगा उनका। ओके, देन देयर इज अ ऑडियंस अलग अलग देशों में, तो वायरल इफेक्ट मल्टीपल इफेक्ट होगा, तो उसमें से अगर मतलब कि इतने मिलियंस मिलियंस में से वो रोज के रोज अगर अगर थोड़े थोड़े आते रहेंगे लोग, कस्टमर आते रहेंगे, सेलर्स रीसेलर, तो देखिए कहाँ पे बात वो एक्चुअल लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो फिगर से बात करते हैं, वो फिगर से प्ले आउट करते हैं वो सारे का सारा, ठीक है ना। तो उनको मालूम है एग्जैक्टली कि अगर जो व्यूअरशिप है उनको कैसे हिट करना है, कैसे टारगेटेड ट्रैफिक को लेके आना है, ही नोज एवरीथिंग। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो उन्होंने एज ए फन बात की थी, जब मार्क जुकरबर्ग की बात हुई थी कि ओ नेटवर्क की, उन्होंने बात ओ नेट की बात की थी, तो उसको जरा मैं चाहता हूँ आप जरा एक्सप्लेन कर दें। नीरज करेगा थोड़ा, मैं थोड़ा करता हूँ, बाकी नीरज का देखो फिर वो, बट बात टाइमिंग की आ गई। ऐश ने आई थिंक बहुत सारे हमारे वेबिनार में कहा कि जब ऑन पैसिव शुरू हुई थी बेसिकली 2018 में, तब भी कुछ टाइमिंग राइट हो गई थी शुरुआत में ही, मतलब कि कई बार होता है कि हमें सारा कुछ सेटअप करना पड़ता है, बट नहीं कुछ ऐसा हुआ कलकत्ता में एक कंपनी बंद हो रही थी वो सारा कुछ, तो ऐश ने कहा कि बंद मत हो, इधर आओ हमारे पास आ जाओ, तो उनका कुछ स्टाफ बनाया बनाया हमें वहां पे कुछ चीज मिल गई, तो हमें स्टार्टिंग करने के लिए आसान हो गया। तो टाइमिंग राइट ऐसी हुई, स्टार्ट एकदम पुश जो कहते हैं कि एकदम मिला और आज तक हम रुक नहीं रहे। ओके, तो ऐसे ही अभी अभी भी ये टाइमिंग जो है बेसिकली ओ नेट को लाने के लिए, एक नए तरीके का सोशल मीडिया रिफ्रेशिंग एआई बेस्ड जो जिसको कह सकते हैं, तो उसको लाने का ही राइट टाइमिंग है। फेसबुक के असल में अगर आप सही माने में पूछो तो बुरे हाल हुए हुए हैं, अगर हम अपनी भाषा में बोले उनके बुरे हाल हुए, वो क्लूलेस हैं बेसिकली, उनको मालूम नहीं चल रहा कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं बेसिकली, कहाँ सही हैं, क्या करें, वो काफी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका वो सीधा नहीं पड़ रहा है, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि वो कर तो रहा है बेचारा, बट चीज होती है कि हमेशा जो पुराना होता है उसको जाना होता है बेसिकली। ओके, तो पुराना होता है उसको जाना होता है,
नोकिया फोन था बेचारा, इतना इतना अच्छा ब्रांड और इतना मतलब हर एक हाथ में नोकिया होता था, तो अल्टीमेटली नोकिया को जाना पड़ा। ओके इतना कुछ, तो ये अल्टीमेटली जाना पड़ेगा इसको भी, क्यों? व्हाई? बिकॉज हियर इज समथिंग रिफ्रेशिंग, समथिंग न्यू विद टाइमिंग, राइट टाइमिंग ऑफ ऑल दिस 3-4 मंथ्स का जो राइट टाइमिंग आ रहा है, प्लस एक रिफ्रेशिंग चीज आ रही है, तो इसलिए उसको जाना पड़ेगा। आई होप नीरज आप इसके ऊपर थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं। जी डेफिनेटली, लाइक रिसेंटली न्यूज आई थी कि फेसबुक मीटा कंपनी के ओनर यानी मार्क जुकरबर्ग, उनका जो एक्चुअली जो स्टॉक है वो एक साल से नीचे ही जा रहा है, और यानी बहुत यानी वन ऑफ द टॉप मोस्ट बिलियनियर थे, लेकिन अभी उस वजह से आई थिंक नंबर्स में नहीं जाएंगे, लेकिन वो स्टॉक इतना नीचे गया तो उनका अभी जो नेटवर्थ था एकदम बहुत कम हुआ। तो ऐश बोलते हैं कि डेफिनेटली हम किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम हमारे और बाकी लोगों बाकी कंपनीज में एक बड़ा डिफरेंस है, और वो बड़ा डिफरेंस है कि हम हार्ट से बनाते हैं, हार्ट से बनाते हैं, और ये भले ही वो बाकी के कंपनीज कुछ भी करें, लेकिन अल्टीमेटली वो ड्रिवन होता है कि प्रॉफिट प्रॉफिट कितना कमाओ या वॉट एवर, कि इंडिविजुअल पे यहाँ पे हार्ट है, सॉरी हार्ट से ड्रिवन है, यानी लोगों को साथ लेके, यानी सचमुच अच्छे इंटेंशन है, और ये मेजर डिफरेंस है ऑन पैसिव और बाकी के कंपनीज में, तो वो ऐश बताना चाहते थे। एब्सोल्युटली तो एक्चुअली और एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी डेटा सेंटर्स के बारे में, तो वो मैं कवर करना चाहता हूँ वसीम जी, कि डेटा सेंटर आपको मालूम है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है एक आईटी बिजनेस के लिए, तो डेफिनेटली हमारा एक डेटा सेंटर ऑलरेडी है, और बहुत पहले उन्होंने बोला था कि हमारे दूसरे डेटा सेंटर की भी बना रहे हैं, और वो होने के बाद हम एक्चुअली डेटा सेंटर का मार्केट भी कैप्चर करेंगे, तो ये पहले वेबिनार्स में हुआ था, कल के वेबिनार्स यानी लेटेस्ट जो वेबिनार हुआ था उसमें उन्होंने बताया कि दूसरे की यानी उन्होंने लोकेशन भी फाइनलाइज किया है, और उसपे जो लोग लगते हैं उनकी हायरिंग भी चालू की है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ऑलरेडी यानी बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, तो अगर फाउंडर्स सोच रहे हैं कि अरे क्या हो रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं प्लीज बताना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है, और वो डेटा सेंटर को भी टचअप किया कि लेट सपोज किसी रीजन को और किसी रीजन को या किसी को कंपनी को डेटा सेंटर चाहिए, तो हम एक नया एक प्रोडक्ट करके रहेगा वो डेटा सेंटर, जहां पे हमारे मोबाइल वैन्स रहे व्हीकल्स रहेंगे, ऑफ कोर्स उन्होंने ज्यादा बताया नहीं उसके बारे में, लेकिन एक जो एक आइडिया दी कि व्हीकल्स रहेंगे जहां पे ये सब डेटा सेंटर का सेटअप रहेगा, और वो रीजन में जाके वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है, एक ये कंसेप्ट दो मैं आईटी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये सब इतना तो मेरे को समझ में आता है कि आज आजकल के जमाने में जो डेटा मैनेज करता है वो ही पावरफुल है इंटरनेट पे, तो एब्सोल्युटली। उसमें इसमें देखिए ठीक है, डाटा स्टोर करना है सारा, तो बेसिकली जैसे AWS कर रहा है, अमेज़न वेब सर्विसेज कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक ठीक है एक जगह बना लिए डाटा सेंटर, बड़ा सा बनाया ठीक है, उसमें उसको अलग अलग रीजन वाइज उसको अलॉट कर दिया या वट एवर, ऐसा भी ये लोग करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं, ओके शिफ्ट भी करते रहते हैं, बट दीज मोबाइल डेटा सेंटर दिस इज लाइक अ फर्स्ट टाइम मैंने तो सुना है वैसे बेसिकली, एंड ऐश का दिमाग यहाँ पे जाके काम किया, विच इज आई थिंक ए ह्यूज थिंग, जो कि लोग कैचअप करेंगे इस चीज को भी, मे बी AWS करे, बट तब तक लेट हो चुके होंगे, ऑलरेडी हम मार्केट कैप्चर कर चुके होंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टाइल है, हमारा फंक्शनिंग का, वो बहुत चीप रहने वाला है, मतलब कि वो सस्ता रहने वाला है, अगर हम इस बात को कहें तो हमसे कम्पीट कर ही नहीं पाएंगे बेसिकली ये सारे के सारे लोग हैं, वही बात कि हम लोग दिल से बना रहे हैं ये चीज, ऑन पैसे दिल से बन रही है, तो जो जो चीज दिल से बनती है तो वहां पे नफा नुकसान थोड़ा कम देखा जाता है, ये देखा जाता है कि हम सर्विसेज क्या दे रहे हैं,
हमने लोगों को अपलिफ्ट कैसे करना है, और हम उस सर्विसेज से क्या वो पर्पस सॉल्व हो भी रहा है या नहीं हो रहा, वो जब दिल से चीज बनती है तब एक्चुअल में ये चीजें सब होती हैं। तो ऑन पैसी वैसे ऐसे कर रही है, विच इज आई थिंक ह्यूज थिंग ये हम सबके लिए कि मिस्टर ऐश ने इस लेवल इस बारीकी से जाके उस चीज को सोचा कि यस फ्रॉम हार्ट यहाँ से आना चाहिए सारा कुछ, तो वही आया है विद टेक्नोलॉजी विद हिज ब्रेन विद ऑल दोज थिंग्स, वो इस चीज को करने में कामयाब हुए।